तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे आप लोग काली लिनक्स की लाइव यूएसबी बना सकते हो। और जो उसके अंदर ग्रब वाला एरर आजकल नहीं आ रहा है, यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे, इस एरर को आप लोग कैसे फिक्स कर सकते हो। अब देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें लाइव यूएसबी का फ़ायदा नहीं पता, तो मैं सबसे पहले उनको फ़ायदा बता दे रहा हूँ। अब देखो, काली लिनक्स आप लोगों को पता होगा हैकिंग करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें हैकिंग से रिलेटेड बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, है कि नहीं। अब क्या है, क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है। बट क्या हो अगर आप लोग इसको अपनी पेन ड्राइव में ही इंस्टॉल कर लो, और जिस भी जगह जाओ आपको बस वो पेन ड्राइव लगानी है और वहीं पे आपका काले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम खुल गया और धड़ाधड़ आप लोग वहीं पे हैकिंग कर सकते हो। मामा के घर पे हो, वहां पे लैपटॉप मिला, वहां पे लगा दिया, काले लिनक्स ओपन हो गया, वहां पे भी अपना काम शुरू। और मैं आप लोगों को ऐसा बनाना बताऊंगा ये पेन ड्राइव कि आपका जो भी इसके अंदर डेटा है या फिर जो भी आपने इसके अंदर काम किया है ना, वो सारा काम कहीं लॉस्ट नहीं होगा, वो सारा का सारा वैसे का वैसा पड़ा रहेगा। ताकि अगर आप लोगों ने मामा के घर पे जो काम किया, चाचा के घर पे भी वही काम कर सकते हो या फिर उसके आगे से स्टार्ट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं होने वाला कि भैया आप लोगों को बार बार जब भी पेन ड्राइव लगाओगे पूरा फ्रेश ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा और भैया आपको सब कुछ शुरू से करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम लोग उसको ऐसा बनाएंगे कि सारा का सारा डेटा आपका उसी के अंदर रहेगा, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं ये सारा प्रोसेस कैसे होने वाला है। तो बहुत बढ़िया, मैं आ चुका हूँ अपने डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर। और मैं सबसे पहले आप लोगों को इसके लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बता दे रहा हूँ। आप लोगों के पास एक पेन ड्राइव होनी चाहिए या फिर एक मेमोरी कार्ड होना चाहिए, उसे आप लोग कार्ड रीडर में लगा करके भी यूज़ कर सकते हो। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न होता है कि भाई मुझे अगर काले लिनक्स की लाइव यूएसबी बनानी है तो मुझे कितनी जीबी की भाई मेमोरी कार्ड या फिर कितने जीबी का पेन ड्राइव यूज़ करना होगा। देखो, कम से कम जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 8 जीबी, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कितनी भी रख सकते हो, मैं यहाँ पे 16 जीबी की ले रहा हूँ। ये दरअसल हम लोग मतलब कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए करते हैं। दरअसल क्या होता है, काले लिनक्स के लिए पहले जो उसकी इमेज आएगी है ना, उसको जब आप लोग पेन ड्राइव के अंदर डालोगे तो वही 4 से 5 जीबी की जगह खा जाती है, ठीक। वो 5 जीबी अलग हटा लो। अब उसके बाद आप लोगों को उस पेन ड्राइव को ऐसा बनाना है कि वो आपका डेटा भी स्टोर करके रखे, मतलब जो भी आपने काम किया है वो भी भैया उस पेन ड्राइव के अंदर पड़ा रहे, है कि नहीं। तो उसके लिए क्या होता है ना, वो पेन ड्राइव में जो थोड़ी सी जगह बची है ना, उसको ये एक अलग पार्टीशन की तरह यूज़ करता है, तो आपका सारा डेटा उस जगह जाएगा। अब आप लोग ऐसा सोचो, 8 जीबी की पेन ड्राइव है, उसके अंदर पूरी 8 जीबी जगह तो मिलेगी नहीं, मिलेगी 7 जीबी के कुछ आसपास, और भैया 4-5 जीबी तो आप लोगों का काले लिनक्स ही खा गया। अब बचा कितना, 2 जीबी। अब 2 जीबी में अगर आप लोगों को भैया बना लेना है तो बना करके आप लोग काम कर सकते हो, छोटे मोटे टूल्स को इंस्टॉल कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको थोड़ा सा बड़ा काम करना है, थोड़ा सा मतलब आप चाहते हो कि 10-15 टूल मैं अपने अलग अलग से इंस्टॉल कर लूँ और उनको यूज़ करूँ, तो उसके लिए कम से कम देखो कम से कम 16 जीबी की पेन ड्राइव रख लो। बट अगर तुम्हारे पास नहीं है, 8 जीबी की भी है तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सपीरियंस ले सकते हो, 8 जीबी में भी चला सकते हो। बहुत बड़े बड़े टूल्स को मत इसके अंदर डाल देना, छोटे मोटे टूल्स को यूज़ करना और सब कुछ काम एकदम परफेक्ट हो जाएगा, ओके। चलो, यहाँ पे देख पाओगे कि मैंने 16 जीबी की पेन ड्राइव ले रखी है, ठीक, बहुत बढ़िया। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल क्रोम पे आ जाना है। गूगल क्रोम पे आप लोगों को लिखना है काले लिनक्स, ठीक है। आप लोगों ने लिखा, इनकी वेबसाइट मिल गई, वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे जाकर के आपको सिंपल से क्लिक कर देना है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे इस टाइप का कुछ सेक्शन आएगा, आपको सिंपल से ये जो डाउनलोड का सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग डाउनलोड के सेक्शन पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे देखो काले लिनक्स बहुत सारी चीज़ों के लिए आता है, मतलब वर्चुअल मशीन, लाइव यूएसबी और भी दूसरी चीज़ों के लिए आता है। तो आपको सिंपल से इसमें जो लाइव यूएसबी वाला सेक्शन है वो ढूंढना है। कैसे आप लोग ढूंढोगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रोल करोगे आप लोग ना, यहाँ पे देखो लाइव बूट वाला यहाँ पे एक सेक्शन देखने को मिल रहा है, आप लोगों को सिंपल से इसके ऊपर क्लिक कर देना है, बहुत बढ़िया। अभी एक चीज़ याद रखना, ये जो ग्रब वाला एरर आता है ना, ये क्यों आ रहा है मैं आपको सबसे पहले बता दे रहा हूँ। ये जो ग्रब वाला एरर है वो इस काली लिनक्स के वर्जन के साथ आ रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं काली 2023.3 वाला ये जो वर्जन है, अगर आप लोग इसको डाउनलोड करके अपने पेन ड्राइव में इंस्टॉल करते हो तो आपको ग्रब वाला एरर देखने को मिलता है। बट इन फ्यूचर जब इसका एक दूसरा रिलीज आएगा ना, तो उसके अंदर आई होप सो कि ये चीज़ सही कर दी जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ये जो वीकली इमेज है, वीकली इमेज अगर जिनको नहीं पता क्या होती है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वीकली इमेज में क्या होता है, वो लोग पहले से ही काफ़ी सारे अपडेट्स डाल चुके होते हैं, बट ये टेस्टिंग फेज में चल रहा होता है, इसके अंदर बग हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये फाइनल रिलीज नहीं होता। तो आप लोगों को अगर भाई अभी के लिए करना है, ठीक है, तो आप लोग वीकली इमेज का यूज़ कर सकते हो, मैं वीकली का ही यूज़ करने वाला हूँ। अब देखो, बग होने का ये मतलब नहीं कि बहुत सारे बड़े बड़े बग होंगे, छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कई बार तो आप लोग ऐसा कोई काम भी नहीं करोगे कि वो प्रॉब्लम सामने आए, तो वीकली इमेज भी आप लोगों के लिए अभी फाइन काम करने वाला है, आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। बट इन फ्यूचर आज से 2-3 महीने बाद अगर कोई वीडियो देख रहा होगा तो प्लीज़ जा करके ज़रा यहाँ पर चेकआउट कर लेना, ये दरअसल स्टेबल रिलीज होता है।
तो यहाँ पे चेकआउट कर लेना कि भाई यहाँ पे काली लिनक्स का क्या अपडेटेड वर्जन आया है या नहीं आया। अगर नहीं आया होगा तो थोड़ा सा और वेट करना और उसके बाद ट्राई करना, ठीक है। तो आपको सिंपल से अभी के लिए वीकली इमेज को डाउनलोड कर लेना है, जो कि यहाँ पे देख पाओगे 4.3 GB की है। मैं सिंपल से डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दे रहा हूँ और हमारी वीकली इमेज यहाँ से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अभी देखो ये तो हो गई काले लिनक्स की इमेज। अभी काले लिनक्स को पेन ड्राइव के अंदर भी तो आपको ट्रांसफ़र करना है। आप कॉपी पेस्ट करके तो ट्रांसफ़र कर नहीं सकते। इसके लिए आपको एक चीज़ चाहिए होगी जिसको कहते हैं रूफ़ोस। ये एक मतलब बूटेबल USB बनाने का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। आपको सिंपल से गूगल पे जाना है, रूफ़ोस सर्च कर लेना है, यहाँ पे देख सकते हो स्पेलिंग, और सिंपल से इसके ऊपर क्लिक कर देना है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हो इनकी वेबसाइट पे आ गए हो, थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना और यहाँ पे आपको देखो इसको डाउनलोड करने के वर्जन मिल जाएंगे। अब देखो मैंने कई केसेस में देखा है रूफ़ोस कई लोग डाउनलोड कर लेते हैं बट वो जब कंप्यूटर में ओपन करते हैं तो ओपन नहीं होता। तो ये दो तीन कंडीशन की वजह से हो सकता है। पहली कंडीशन आपका एंटीवायरस। आप लोग जब भी रूफ़ोस को डाउनलोड करो अपना एंटीवायरस एक बार बंद कर लेना और बंद करके करना। बट देखो हर जगह हर किसी के साथ ये कंडीशन नहीं है। जैसे कि मेरे कंप्यूटर के अंदर रूफ़ोस नॉर्मल चल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अगर आपके में ना खुले ये, तब मैं बता रहा हूँ कि ये दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारे वर्जन है। स्टैंडर्ड भी आप लोग कर सकते हो। स्टैंडर्ड वर्जन में क्या होगा, आपको इंस्टॉल करना होगा, वो नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल करना होगा। और यहाँ पे एक पोर्टेबल वर्जन भी है। पोर्टेबल वर्जन में क्या होगा, मैं पोर्टेबल वाला ही कर रहा हूँ फिलहाल। पोर्टेबल में क्या है, आप लोगों को डबल क्लिक करना है, सिंपल से रूफ़ोस खुल जाएगा और काम करना आप लोग शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक हमारा ये जो काले लिनक्स है वो अच्छे से डाउनलोड नहीं हो जाता। तो बहुत बढ़िया, आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि मैंने अपना जो काले लिनक्स था वो भी बहुत ही अच्छे से डाउनलोड कर लिया है और मैंने यहाँ पे रूफ़ोस को ओपन कर लिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से देखना है कि यहाँ डिवाइस के ऊपर आपकी पेन ड्राइव ही सेलेक्ट हो, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पेन ड्राइव को सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख पाओगे ये जो सेकंड ऑप्शन है बूट सिलेक्शन, इसके ऊपर आपको सिंपल से करना है सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल से जहाँ पर भी आप लोगों ने वो जो काली की लाइव USB वाली इमेज डाउनलोड की है ना, वहाँ पे जाना है और उस इमेज को सेलेक्ट कर देना है। तो मैंने पूरा इमेज का पाथ यहाँ पे कॉपी कर रखा है, मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ से ओपन कर दूंगा और यहाँ पे देख सकते हैं वो सेलेक्ट हो गया है, ओके। अभी यहाँ पे ये जो परसिस्टेंट वाला सेक्शन है, ठीक है, ये क्या चीज़ है, यही वो चीज़ है जो आप लोगों का डेटा बचा के रखेगी। अब याद रखना 16 GB के अंदर ध्यान से देखो जितनी GB ये लोग बना सकते हैं अलग पार्टीशन की, वो यहाँ पे दिखा देंगे आप लोगों को। देखो मेरे पेनड्राइव के अंदर मैक्सिमम 9 GB बन सकती है, जो अलग पार्टीशन है ना मेरे पेनड्राइव का, जिसके अंदर मैं काले लिनक्स का ही खाली डाटा रखने वाला हूँ। ये पूरी पेनड्राइव दरअसल मेरे काले लिनक्स के लिए ही पूरी तरीके से बुक हो जाने वाली है। काले लिनक्स के अलावा अब हम लोग कोई काम नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगा अभी कि कैसे इसको फ्री करना है, सब कुछ बता दूंगा, चिंता ना करना, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे अपने हिसाब से पार्टीशन साइज बना लेना। आपको अगर सोचते हो कि यार मैं बहुत बड़े बड़े टूल्स तो नहीं इंस्टॉल करूंगा, 10-15 टूल ही करने हैं, तो आप लोग ज़्यादा नहीं बना सकते हो, मतलब ज़्यादा मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 6 GB की वर्क कर सकते हो या फिर 5 GB की भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग एकदम मतलब पैशनेट इंसान हो, नहीं भाई आग ही लगा देना है, तो भाई आप लोग ज़्यादा कर लो, और ज़्यादा करने के बाद फिर 9 GB यूज़ भी कर लेना, क्योंकि लिनक्स के अंदर 9 GB यूज़ करोगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे टूल्स इसके अंदर फिर इंस्टॉल करोगे, यूज़ करोगे, है ना। तो अगर तुम लोग भैया अपने अंदर आग लेके चल रहे हो तब 9 GB करना, या फिर तुम्हारे पेन ड्राइव के हिसाब से करना, ठीक। और यहाँ पे देखो ये जो पार्टीशन वाला सेक्शन है, यहाँ पे देखो MBR GPT है ना। अब देखो जो कॉमन पार्टीशन होते हैं जो कि ज़्यादातर कंप्यूटर में चल जाता है ज़्यादातर, ठीक है, वो होगा हमारा MBR आप लोग यहाँ पे लगा देना, बायोस और ये चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट रहने देना, ठीक है। अब एक चीज़ मैं और बता दे रहा हूँ, अगर किसी भी वजह से तुम्हारी जो पेन ड्राइव है वो बूट ना हो किसी भी वजह से, तो एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि तुम्हारा जो पार्टीशन है वो MBR की जगह GPT सपोर्ट कर रहा हो। ये पुराने मदरबोर्ड्स के लिए शायद यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे GPT भी आप लोग लगा करके एक बार पेन ड्राइव बना के चेक कर लेना कि कहीं GPT वाले पार्टीशन के लिए तो नहीं है। अभी देखो जो मेरा मदरबोर्ड है वो भैया MBR के ऊपर ही चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से MBR लगा करके ही चलेंगे, ओके। बहुत बढ़िया, अभी फिलहाल ये सारी जो चीज़ें हैं इनको ऐसे नॉर्मल छोड़ देना है आप लोगों को, और यहाँ से मैं कर दूंगा स्टार्ट, और यहाँ से मैं कर दूंगा ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मेट हो रहा है और पार्टीशन सारे यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे, ठीक। तो इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, तो जब तक ये कंप्लीट होता है हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं। तो बहुत बढ़िया, आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि हमारी जो लाइव USB थी वो बहुत ही अच्छे से बन चुकी है, और आप लोगों को यहाँ पे काली लाइव वाला सेक्शन भी देखने को मिल रहा होगा। एक बार मैं जरा इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ,
और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि सब कुछ भर चुका है। अब एक खास चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ इसको बूट करने से पहले, अगर आप लोग इस पर राइट क्लिक करने के बाद ये जो फॉर्मेट सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, तो इसकी जो कैपेसिटी है, यहाँ देखो कैपेसिटी बिल्कुल घट चुकी है। तो ये चीज़ भी हम लोग अभी फिक्स करना सीख लेंगे, तो कोई दिक्कत मत लेना, ठीक है। अभी इसको मैं कट कर दे रहा हूँ, इसको कट कर दे रहा हूँ और मैं अपने कंप्यूटर को करता हूँ रिस्टार्ट। बट रिस्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा काम आप लोगों को करना है, याद रखो आपको अपने कंप्यूटर या फिर अपने मदरबोर्ड की जो बूट की है, बूट की का मतलब आप लोग कीबोर्ड के अंदर देखोगे ना एक स्पेसिफिक बटन होता है, ठीक है। उस स्पेसिफिक बटन को जब आप लोग दबाओगे तो कंप्यूटर में जितनी भी बूट करने की डिवाइसेज है, जैसे आपकी हार्ड डिस्क हो गई, आपकी पेन ड्राइव हो गई, वो सारी वहाँ पे शो करने लग जाती है। तो आपको अपने कंप्यूटर की बूट की पता होनी चाहिए। मुझे मेरे कंप्यूटर की पता है F11 है, ज़्यादातर लोगों में यही होता है F11 होता है या फिर डिलीट होती है या फिर F2 होती है। आप लोग गूगल से अपने कंप्यूटर के हिसाब की बूट की देख लेना, ये काम मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि बूट की आपके कंप्यूटर में कौन सी होगी, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसके लिए कुछ मदरबोर्ड के अंदर स्पेसिफिक सेटिंग भी करनी होती है, जैसे कि सिक्योर बूट को डिसेबल वगैरह करना होता है। बट आपको मैं कह रहा हूँ फर्स्ट ट्राई जब भी आप मारो कभी भी मदरबोर्ड की सेटिंग के साथ छेड़खानी मत करो कि आपको सिक्योर बूट डिसेबल करना है या फिर दूसरी चीज़ें करनी है, ठीक है। ये सब चीज़ें अभी मत करना, फर्स्ट बूट नॉर्मल बूट की तरह ट्राई करना कि हो जाए, अगर नहीं होता तो उसके बाद आप लोग मदरबोर्ड के अंदर जाकर के सिक्योर बूट डिसेबल कर सकते हो। आप लोग कंफ्यूज मत होना कि भाई यार ये सिक्योर बूट डिसेबल करना कोई बहुत बड़ी चीज़ है, बिल्कुल नहीं। YouTube पे आप लोग सर्च करोगे ना तो आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे जिसमें वो लोग बताएंगे कि सिक्योर बूट को कैसे डिसेबल करना है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। तो ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ अपने कंप्यूटर को यहाँ से कर लेता हूँ रिस्टार्ट, और यहाँ से मैंने रिस्टार्ट किया, और रिस्टार्ट जैसे ही हमारा कंप्यूटर होने लगेगा ना, मैं अपने देखिए कीबोर्ड के ऊपर ये जो F11 की है इसको मैं बार बार प्रेस करता रहूँगा। अभी ये कंप्यूटर बंद होगा और देखिए ये जैसे अभी रिस्टार्ट हो रहा है, और रिस्टार्ट होते वक्त मैं देखिए F11 की को बार बार प्रेस कर रहा हूँ। बूट की होती है जिससे कि आपका कंप्यूटर बूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा मतलब ध्यान रखिएगा, बहुत सारे जो बिगनर्स होते हैं वो लोगों में ये प्रॉब्लम आती है। अभी यहाँ आप लोग देख पाओगे कि यहाँ पे बूट करने का सेक्शन आ चुका है, और मुझे किससे बूट करना है, मेरी ये जो सैंडिस्क वाली पार्टीशन है इससे मुझे बूट करना है। सिंपल से मैं इसके ऊपर एंटर कर दूंगा और यहाँ आप देखिए ग्रब वाला एरर नहीं आया। और अगर आप लोगों को भाई वो वाला सेक्शन चाहिए कि हमारा जो डेटा है वो काली लिनक्स के अंदर सेव रहे और हम लोग जब भी दूसरी जगह पेन ड्राइव लगाएं तो हमारा वो डेटा हमें एक्सेस हो जाए, तो आपको क्या करना है, ये जो लाइव सिस्टम विद परसिस्टेंट वाला ये जो सेक्शन है ना, यहाँ से आप लोगों को चालू करना है। यहाँ से मत चालू कर दीजिएगा, यहाँ से चालू करोगे तो नहीं हो सकता, यहाँ से चालू करोगे तब जाकर के आपका ये काम बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे और सिंपल से मैं करने वाला हूँ यहाँ एंटर, ओके। और यहाँ पे जैसे आप लोग एंटर कर दोगे थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, और आपका जो काली लिनक्स है वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बूट हो जाने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि कुछ यहाँ पे सेक्शन आया और यहाँ पे जो मेरा काली लिनक्स था ये बूट हो गया है। अभी ध्यान से एक दो चीज़ें समझ लेना, काले लिनक्स के अंदर जब पहली बार आप लोग बूट करते हो तो हल्का सा वो स्लो चलेगा, बट उसके बाद वो चीज़ अपने आप नॉर्मल तरीके से फिक्स हो जाएगी। बट कई लोगों में ये देखा गया है कि काले लिनक्स के अंदर उन लोगों में साउंड वाली काफ़ी दिक्कत आने लगती है, जैसे कि अभी मैं दिखाऊंगा जब फर्स्ट बूट होता है काले लिनक्स, आप लोग YouTube वगैरह जाकर के जब चालू करोगे ना तो वहाँ पे हो सकता है आपको साउंड ना देखने को मिले, वहाँ पे आपको जो आवाज़ें हैं वो सब चीज़ें नहीं सुनाई पड़ेगी। तो उसके लिए एक अलग फिक्स आता है, वो भी हम लोग इसी वीडियो में फिक्स कर लेंगे। अगर आप लोगों को वो फिक्स भी देखना है तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, आप लोग यहाँ पे देख पाओगे जो हमारा काले लिनक्स था वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बूट हो चुका है, और यहाँ पे आप लोग बिल्कुल भाई यहाँ पे काले लिनक्स बहुत ही ज़्यादा मक्खन चलता है, मतलब यहाँ पे हर एक चीज़ एकदम स्पीड में चलती है, ऐसा नहीं कि वर्चुअल मशीन की तरह। और मैं सबसे पहले आपको प्रूफ दिखा दे रहा हूँ कि जो भी हम डेटा इसके अंदर डालेंगे क्या वो सेव रहता है कि नहीं। मैं सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं आप लोग क्या करूँगा, मैं क्रिएट फोल्डर कर दूंगा, अगर ये फोल्डर यहाँ पे बचा रह गया, ठीक है। ये फोल्डर आप लोग यहाँ पे देख पाओगे, ये फोल्डर मैंने बना दिया है, अगर ये फोल्डर इसके अंदर बचा रह गया इसका मतलब एकदम प्रूफ हो जाएगा कि हाँ जो हमारा डेटा है वो इसके अंदर बहुत ही अच्छे से सिक्योर रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, रिस्टार्ट तो शायद यहाँ से ना हो, ये मैं क्या करने वाला हूँ अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर दे रहा हूँ, और शट डाउन करने के बाद वापस से मैं जब इसको स्टार्ट करूंगा तब आपको मैं चेक कराऊंगा कि ये फोल्डर यहाँ पे है, ये चला गया। तो बहुत बढ़िया, हम लोग वापस से आ चुके हैं यहाँ पे, और अभी हम लोग वापस से यही चीज़ करेंगे, लाइव सिस्टम विथ USB persistent वाला, और इसके ऊपर हम लोग कर देंगे एंटर, और एंटर करते ही आप लोग देखोगे यहाँ पे हमारा जो काले लिनक्स है वो दोबारा से स्टार्ट होगा। मैं इसको थोड़ा सा स्पीड प्ले कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ अच्छे से दिख जाए। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि हमारा जो काले लिनक्स था वो दोबारा से बूट हो गया, और यहाँ पे हमारा ये जो फोल्डर है वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे जा करके बाकी सारे
चीज़ों को भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग अपने कंप्यूटर की दूसरी हार्ड डिस्क को भी एक्सेस कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, अभी हम लोग अभी एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या इसके अंदर डिफॉल्ट में वो जो वॉइस वाली प्रॉब्लम थी जो मैं आपको बता रहा था ना कि यूट्यूब चलाओगे तो आपको आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी, क्या वो प्रॉब्लम अभी है या फिर नहीं है। अगर वो प्रॉब्लम होगी तो हम लोग उसको भी देखेंगे कि कैसे फिक्स करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं YouTube पे चला जाता हूँ। और एक चीज़ और याद रखना, कई बार लोग यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ देखिए स्पीकर के ऊपर, यहाँ देखिए मेरा USB कंडेंसर माइक सिलेक्टेड है ये स्पीकर के ऑप्शन पे। अगर मैं यहाँ से देख सकते हैं इसको अगर सेलेक्ट कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे देख पाओगे कि मैंने दूसरा वाला सेक्शन सेलेक्ट कर दिया है, तो ये दिक्कत कई बार अपने आप भी सही हो जाती है, बट फिर भी एक बार हम लोग चेक कर लेंगे। मैं सिंपल से क्या कर रहा हूँ, हेडफोन लगा ले रहा हूँ, ठीक है, और मैं सबसे पहले यहाँ पे ये वाला जो गाना है इसको बजा लेता हूँ, ठीक है। और ओके ओके, यहाँ पे सब बढ़िया चल रहा है, यहाँ पर जो आवाज़ थी वो भी बहुत ही अच्छे से आ रही है और सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि डिफ़ॉल्ट सेक्शन में इन लोगों ने सब कुछ इसको फिक्स कर रखा है, बट फिर भी अगर किसी में भी वॉइस वाली दिक्कत आती कि भैया उन्हें आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही काली लिनक्स में, तो वो लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको भी फिक्स कर दूंगा। तो बहुत बढ़िया, अब हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे आप लोग अपने काले लिनक्स की जो पेन ड्राइव है ना उसको नॉर्मल पेन ड्राइव की तरह बना सकते हो। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे फंस गए होंगे कि भाई वो पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर रहे हैं बट उनके पेन ड्राइव में जो भी स्पेस है वो वापस आ नहीं पा रही है, ठीक है। तो उसे कैसे हम लोग सही करेंगे, देखिए आपको सिंपल से क्या करना है, ये जो पेन ड्राइव है सबसे पहले जाना है यहाँ पर, राइट क्लिक करना है और एक बार यहाँ पर फॉर्मेट के सेक्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ पर ये जो कैपेसिटी है ये 5.31 GB की यहाँ पर दिखा रही है, ओरिजिनल कैपेसिटी से कम दिखा है, ठीक है, 16 GB की थी बट 5 GB यहाँ पे दिखा रहा है, तब आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए, इसका पार्टीशन गायब हो चुका है, हमें इसके पार्टीशन को दोबारा से बनाना होगा। कैसे बनाओगे आप लोग, सिंपल से आप लोगों को इसको कट कर देना है, ये जो दिस PC है ना इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, और इसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक मैनेज का सेक्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का सेक्शन देखने को मिलता है, ठीक। अभी आपको क्या करना है, ये जो डिस्क मैनेजमेंट है इसके ऊपर आपको सिंपल से क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे आप लोग देखोगे कि आपके ये जो पेन ड्राइव है ना यहाँ पे देख सकते हैं दो पार्टीशन बनाए, एक पार्टीशन यहाँ एक पार्टीशन यहाँ। आपको सिंपल से क्या करना है, किसी भी पार्टीशन के ऊपर सबसे पहले राइट क्लिक करना है और यहाँ पे डिलीट वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करके यस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे अनएलोकेटेड हो गया, अभी आपको इसको भी करना है, राइट क्लिक करना है, डिलीट वॉल्यूम करके यस कर देना है। जैसे ही आप करोगे ये दोनों पार्टीशन गायब हो जाएंगे और एक सेपरेट पार्टीशन यहाँ पे अपने आप ही बन जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 14 GB का यहाँ पे एक पार्टीशन आ गया है। आपको सिंपल से राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद न्यू सिंपल वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट और फिनिश, ठीक है। आपको सिंपल से यही करना है, बहुत ही ज़्यादा ईजी स्टेप है और यहाँ पे देख सकते हैं एक हेल्दी पार्टीशन यहाँ पे बन के आ जाएगा, ओके। अभी आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि यार पेन ड्राइव तो दिख नहीं रही है, तो कोई दिक्कत मत लो, एक बार मैं पेन ड्राइव को रिमूव कर लेता हूँ और इस पेन ड्राइव को मैं वापस से यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि जैसे मैंने पेन ड्राइव को वापस से लगाया, यहाँ आप देखिए फॉर्मेट के लिए मांग रहा है, बट कई टाइम पे नहीं मांगता है, बट अगर मांग रहा है तो कोई दिक्कत मत लेना, सिंपल से फॉर्मेट यहाँ पे क्लिक कर लेना और यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी कैपेसिटी है वो 14 GB की वापस से आ चुकी है। और मैं क्या करूँगा, सिंपल से यहाँ पे स्टार्ट करूँगा, ओके करूँगा और हमारी जो पेन ड्राइव है बहुत ही अच्छे से यहाँ पे फॉर्मेट हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हो ओके किया, फॉर्मेट हो गई और अब ये पेन ड्राइव आप लोग नॉर्मल पेन ड्राइव की तरह यूज़ कर सकते हो और कोई भी काम इसके अंदर कर सकते हो। आई होप सो कि आप लोगों को ये कंप्लीट ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, हर एक चीज़ मैंने इसमें अच्छे से समझा दी, फिर भी कोई चीज़ छूट गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना। वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम लगी हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट करके, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में। हेलो, मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की रेयर वीडियोस पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी।